नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नाजूल भूमि की बात करेंगे, इसके संदर्भ में यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है इस पर चर्चा करेंगे और ये किस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बड़ी भूमिका निभा सकता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि नाजूल भूमि है क्या। तो नाजूल भूमि एक प्रकार का लैंड है। यहाँ पर इसका अस्तित्व अंग्रेजों के समय आया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के अंदर जो भूमि को कब्जा करती वो गवर्नमेंट के नाम करती, वो नाजूल भूमि बाद में कहलाई। तो 19 सेंचुरी में इसको स्टार्ट किया गया। ज्यादातर जो भूमि का कब्जा शुरू किया गया वो 19 सेंचुरी में ही किया गया। इसके तहत यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट तीन तरीके से भूमि को अधिग्रहित करती। पहला है युद्ध और विद्रोह में भूमि को अधिग्रहित किया जाता। दूसरा, जो भी राजा है या जो जमींदार है उनको जब निष्कासित किया जाता तो उनकी जो जमींदारी थी वो पूरी भूमि सरकार की हो जाती। वही तीसरा, अगर किसी कारणवश कोई भूमि है उसे कोई मालिक नहीं है तो वो सरकार की हो जाती। समय के साथ साथ ऐसी भूमियों को सरकारी भूमि के रूप में मान्यता दी गई। 1950 के बाद नाजूल भूमि पर पूर्ण स्वामित्व राज्य सरकार को दे दिया गया और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोग्राम डेवलपमेंट स्कीम इन सब के लिए इसका उपयोग कर सकती है। आज तक के मुताबिक करीब 75,000 एकर्स की नाजूल भूमि उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है और ऐसी भूमियों पर भूमाफियाओं और अफसर का नेक्सस बना हुआ है। नाजूल भूमि विशेष व्यक्ति की नहीं हो सकती है, इनको लीज या पट्टे पर दिया जाता है। दोस्तों, इन भूमि की सबसे खास बात यह है कि ये भूमि शहर के मेन रोड, सिटी सेंटर, सिविल लाइंस, कैंटोनमेंट एरिया यहाँ पर लोकेटेड है। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद इन सब शहरों के जो मेजर लोकेशन है वहाँ पर ऐसी भूमि अवेलेबल है। और यहाँ पर दोस्तों योगी सरकार इन भूमियों पर अधिग्रहण ना हो और कब्जा ना हो इसके लिए नाजूल संपत्ति अधिनियम लेकर आई है जिस पर अभी चर्चा हो रही है। तो इसके तहत 72 से 75 हजार एकर्स की भूमि इसके अंदर आती है। वहीं अगर हम इनकी वर्थ देखें तो ये 2,00,000 करोड़ से भी ज्यादा है। दोस्तों, नाजूल संपत्ति में अवैध कब्जा है, जो भू माफिया हैं ये ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर इसके अलावा पॉलिटिकल संरक्षण के साथ फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं और यहाँ पर इन भूमियों पर फ्री होल्ड ले लिया है। अब दोस्तों फ्री होल्ड क्या होता है? तो फ्री होल्ड को पूर्ण स्वामित्व कहा जाता है। इसके तहत कोई भी इंडिविजुअल जो भूमि होती है उस पर उसका पूरा दायित्व होता है। इसके अलावा वो उसको लीज पे ले सकती है, सेल कर सकती है, गिफ्ट कर सकती है, वही ट्रांसफर कर सकती है। उदाहरण के तौर पर भू माफिया अतीक अहमद इसे प्रयागराज के सिविल लाइंस, लखनऊ के हजरतगंज में कई सारी नाजूल संपत्तियों को कब्जा कर रखा था और फर्जी दस्तावेज तैयार कर रखे थे और यहाँ पर वो व्यवसाय चला रहा था। लेकिन दोस्तों, उनमें से बहुत सारी भूमि को अब राज्य सरकार ने दोबारा अधिग्रहित कर लिया है और वहाँ पर कई प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं। दोस्तों, एक बार शॉर्ट में हम नाजूल भूमि विधेयक को जान लेते हैं। तो इसके तहत जो भी व्यक्ति है या जो प्राइवेट एंटिटी है ये कभी भी नाजूल भूमि को फ्री होल्ड नहीं कर पाएगी। इसके अलावा नाजूल भूमि पर केवल पब्लिक एंटिटी, स्टेट और केंद्र सरकार द्वारा जो उनके विभाग हैं जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सहयोग, इससे संबंधित जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है इनको लैंड ग्रांट किया जाएगा। इसके अलावा नाजूल भूमि पर केवल हॉस्पिटल, स्कूल, गवर्नमेंट बिल्डिंग इनको ही लैंड लीज पे दिया जाएगा। वही नाजूल भूमि पे खाली पड़ी भूमि पर हॉस्पिटल, स्कूल, गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सबको लीज पे दिया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो नाजूल भूमि है इस पर अगर पहले से आबादी है तो उसको वहाँ से नहीं हटाया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नाजूल भूमि है ये बहुत ही बड़े लैंड पार्सल में फैली हुई है और ऐसी ऐसी लोकेशन में लोकेटेड है, मतलब बहुत ही प्राइम लोकेशन। जैसे कि हमने बात करी थी कि स्टेट गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था कि जो सरकार की ज़मीनें हैं ऊसर खासर और जो बंजर ज़मीनें हैं वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रमोट हो। लेकिन दोस्तों, उन लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट अटेंड करना इसलिए मुश्किल होता है कि ऐसी भूमि ऐसे क्षेत्र में होती है जहाँ पर प्राइम लोकेशन तो वो होती नहीं है, तो वहाँ निवेश आ पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो नाजूल भूमि है ये ऐसी लोकेशन में लोकेटेड है कि यहाँ पर आसानी से निवेश आ सकेगा, आसानी से यहाँ पर मल्टीपल प्रोजेक्ट सेटअप किए जा सकेंगे। जब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए तो सबसे बड़ी समस्या जो उसमें आती है वो होता है लैंड एक्विजिशन। यूपी गवर्नमेंट के मल्टीपल इनिशिएटिव है कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, वहीं हॉस्पिटल। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों खासकर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो जब हम बात करते हैं हॉस्पिटल,
डिस्पेंसरी या फिर जो भी पब्लिक से संबंधित डेवलपमेंट होता है उसके लिए चाहिए होता है लैंड। ऐसे लैंड सिटी के मुख्य एरिया में मिल पाना मुश्किल होता है, तो शहर से काफ़ी दूर ऐसी भूमि को अधिग्रहित किया जाता है, उसमें करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। लेकिन अगर ये लैंड अगर स्टेट गवर्नमेंट वापस ले ले, भूमाफियाओं से वो छुड़ा ले जिनको अवैध तरीके से कब्जा किया गया है, तो मल्टीपल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटीज यहाँ पर इस्टेब्लिश हो सकती हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो ग्रीन बेल्ट का एरिया है, रेलवे का एरिया है, एनिमी प्रॉपर्टीज है, उन सब पर कब्जा हो रखा है, जो कि सरकार को छुड़ाना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन भूमि की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और अवैध तरीके से इनको कब्जा किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें एक और समस्या ये है कि ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज और भूमाफिया तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और इस प्रकार का अधिनियम लाना एक बहुत ही बड़ा कदम है सरकार का। देखते हैं कि इस पे क्या होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।